always dream big and don't let anyone to limit your dreams because the possibilities are limitless. दूसरा, एक बड़ी वापसी से ज्यादा ठंडा और पुरकोशिश कोई और चीज नहीं है और ये मैं हूंगा। जैसे ही हम कुछ बड़ा ख्वाब तामीर करने की कोशिश करते हैं तो आखिर ये लोगों के लिए एक मसला कैसे बन जाता है। दूसरा सवाल ये है कि जैसे ही हम कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हारने के बाद दोबारा किस तरह से उस कश्ती में सवार हों जिसमें हम डूब चुके थे। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? हेलो, हियर आई एम माविया तारिक, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। जैसा कि मैंने आपके साथ पहले कोट में कोको गॉफ का एक कोट शेयर किया, जो कि टेनिस प्लेयर हैं और उनकी जिंदगी में उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल्स करने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 नंबर भी 2 नंबर भी उन्होंने हासिल किया। साथ ही साथ अपनी मोटिवेशन में, अपनी स्पीचेस में इन अल्फाजों से मोटिवेट करती हैं उन टेनिस बॉल प्लेयर्स को कि जो स्पोर्ट्स का या जो अपनी जिंदगी में अपने ख्वाब का शौक रखते हैं। तो वो क्या कहती हैं? कहती हैं, सबसे पहले तो आप अपने ख्वाब को बड़ा कीजिए। ख्वाब कैसे बड़ा होता है? मैंने कई सारे सेशंस आपके साथ शेयर किए हैं कि जो ड्रीम्स पर हैं कि हम किस तरह से ख्वाब देखें, ये ख्वाब हमें कौन दिखाता है और झूठा ख्वाब और सच्चा ख्वाब क्या है, ये पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मजीद वीडियोस। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं ठोका तो दोस्तों इंतज़ार किस चीज़ का, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। साथ ही साथ मैं आपके साथ अगर ये शेयर करूँ कि जैसा कि कोको गॉफ ने ये कहा कि ड्रीम बड़ा करें, साथ ही साथ वो कहती हैं कि आप जैसे ही ड्रीम बड़ा करते हैं तो लोग आपको आके फौरी तौरी लोग बैरियर लगाते हैं, आपके दिमाग पर एक बैरियर लगाते हैं। वो बैरियर कौन सा होता है? वो ये होता है कि यहाँ से आगे नहीं जाना, खतरा है, जबकि वो खतरा नहीं है, वो उनकी बाउंड्रीज हैं। मुझे यकीन है कि आप समझ रहे हैं कि जो दूसरों की बाउंड्रीज हैं, अगर आप उस बाउंड्री में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो ये उनके लिए मसला है। अगर आप ख्वाब बड़ा बनाएंगे ये दुनिया के लिए मसला है, ये लोगों के लिए एक मसला है। लोग इसको एक मसला समझेंगे जब आप ख्वाब बना रहे होंगे, ख्वाब को तश्कील कर रहे होंगे, ख्वाब का तसव्वुर कर रहे होंगे और ख्वाब फैला रहे होंगे। खैर, अपने आखिरी ख्याल शेयर करूंगा, सेशन बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल अख्ताम कुछ पॉइंट्स आपके साथ आखिरी शेयर करना चाहता हूं। दूसरे कोट में मैंने आपके साथ शेयर किया स्टीफन एडलर का कोट, जो कि एक अमेरिकन म्यूजिशियन है। अपनी जिंदगी में ये शेयर करते हैं, अपने साज और अपने सुर में ये बयान करते हैं और अपनी रैपिंग और अपनी म्यूजिशियन और अपना तमाम तर जो उनका म्यूजिक का बैंड है, जैसे ही वो अपनी मोटिवेशन को शेयर करते हैं तो वो बयान करते हैं कि एक बड़ी वापसी, यानी कि एक हार, एक बदकिस्मती और एक बार बार के फेलियर से जब हम वापसी करते हैं तो उससे सब, उससे ठंडा, उससे पुरकश, उससे दिलकश और उससे ज्यादा, यानी कि कोई भी अहमियत उस शख्स को नहीं रखता जिसका ख्वाब है। यानी जिसका ख्वाब है उसके लिए एक चीज अहम है, वो क्या है? हारना है तो वापस आना है। ये जो मेंटेलिटी स्टीफन शेयर कर रहे हैं अपने कोर्ट्स, अपनी किताबों, अपने सेशन, अपने म्यूजिक की शक्ल में, वो ये बयान करते हैं कि ये मेंटेलिटी उनको बनना है। यानी कि स्टीफन एडलर को क्या बनना है? स्टीफन एडलर को बनना है कि वो शख्स के जो एक बड़ी
नाकामयाबी के बाद, एक बड़ी शिकस्त के बाद वापस बाउंस बैक करे और इस बार वो ठंडा हो, पुरकशिश हो, तैयार हो। इसी तरह से मेरे सेशन का होता है अख्ताम। मुझे यकीन है कि के एस सहाफत चैनल पर जो मज़ीद सेशन सेमिनार्स अपलोड किए जाते हैं आप उनको भी ज़रूर वॉच करेंगे। अस्सलामुअलैकुम।